अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो क्या हाल है? मैं हूँ एहसानुल्ला और आप देख रहे हैं बायो की दुनिया का चैनल। और पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इतना सुंदर क्यों है, बहुत ही इजी टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं और वो है प्योरिंग सिंथेसिस का। इससे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमने जो मुश्किल टॉपिक था उसका जो कम्प्लेक्स था वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। और क्या कवर किया था हमने? राइबोसोम फास्फेट लिया था, उसको फास्फोराइबोसाइट पायरोफास्फेट में कन्वर्ट किया था। उसके बाद 10 बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस थे जहाँ पर क्या क्या ग्लूटामाइन एस्पार्टेट टेट्राहाइड्रोक्यूरेट वो सारा कुछ यूज करके हमने एक फाइनल स्ट्रक्चर कौन सा इनोसिन मोनोफास्फेट डिराइव किया था। ये इनोसिन मोनोफास्फेट हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि इनोसिन मोनोफास्फेट कैसे आया, तो आप इससे जो पिछला लेक्चर है सिंथेसिस ऑफ इनोसिन मोनोफास्फेट वो जरूर देख लें। जब तक वो नहीं देखेंगे तो आपको इसकी कोई समझ नहीं आएगी। तो हमने पिछले लेक्चर में इनोसिन मोनोफास्फेट को डिराइव कर लिया था, वो बन गया था, सिंथेसाइज हो गया था। अब हमने आगे बढ़ना है कि भाई इनोसिन मोनोफास्फेट से हमारे पास प्यूरीन्स की जो रिंग्स है, जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स में हमने आम सुनी हुई है, वो कैसे बनती है। देखो प्यूरीन रिंग में हमने दो चीजों का नाम सुना है, एक एडिनोसिन मोनोफास्फेट, क्या क्या, एडिनोसिन मोनोफास्फेट और एक गुआनोसिन मोनोफास्फेट या गुआनोसिन डाइफास्फेट ट्राइफास्फेट। तो दो नाम थे एडिनोसिन और गुआनिन, ये दोनों प्यूरीन रिंग्स में आती है, ठीक है। और ये दोनों चीजें जो है हमारे पास है वो इनोसिन मोनोफास्फेट से बनेगी, ठीक है। तो कैसे बनेगी वो हम आगे ऐसे ऐसे डिस्कस करेंगे कि कैसे बनेगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनोसिन मोनोफास्फेट है वो कहाँ से आया, ठीक है। तो अब हम चलें शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमने ये जो इनोसिन मोनोफास्फेट है इससे बनानी है एएमपी। क्या चीज बनानी है? एएमपी। तो एएमपी बनाने के लिए हमारे पास एक हमने लेना है इनोसिन मोनोफास्फेट, ठीक है। इसमें डालनी है हमने, मतलब इसमें डलती है जीटीपी, इसके साथ ऐड होता है जीटीपी। जीटीपी के साथ साथ एक और कंपाउंड जो है, एक और मॉलिक्यूल है वो ऐड होता है। तो उस मॉलिक्यूल का नाम है, उस अमीनो एसिड का नाम है एस्पार्टेट। क्या नाम है? एस्पार्टेट। मैं एस्पार्टेट को यहाँ पर आप लोगों को फिर से उसका स्ट्रक्चर बना कर देता हूँ कि एस्पार्टेट देखो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में तीन ग्रुप्स मस्ट होते हैं। तो हम वो पहले ड्रा करते हैं, अल्फा कार्बन, इसके एक साइड पर NH2 अमीनो ग्रुप, एक साइड पर H, एक साइड पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये दो तीन जो हमारे पास परमानेंट ग्रुप होते हैं अमीनो एसिड के वो, और साथ में एस्पार्टेट के लिए जो R ग्रुप होता है वो CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव होता है। क्या होता है? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास, इसको मैं मिला के लिखता हूँ ताकि कोई मसला ना हो, एक ये हमारे पास और एक सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या है? एस्पार्टेट, ठीक है। तो इसके साथ जो इनोसिन मोनोफास्फेट है उसके साथ मिलेगा एस्पार्टेट। एस्पार्टेट कैसे मिलेगा? हमारे पास जो कार्बन नंबर 6 है, ये वाला, कौन से वाला? ये वाला। देखिए इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, ये हमारे पास इनोसिन मोनोफास्फेट है, कोई भी हमारे पास ये यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। ये नंबर है। तो कार्बन नंबर 6 पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है और यहाँ पर ऐड होता है हमारे पास ये एस्पार्टेट वाला ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ सल्सिनेट। ये वाला जो ग्रुप है वो यहाँ पर ऐड होगा। देखते हैं कैसे ऐड होता है। देखो जब हम इसमें डालेंगे ना एस्पार्टेट, एस्पार्टेट की फॉर्म हो गई, जो स्ट्रक्चर है एस्पार्टेट का, अब इस एस्पार्टेट को हम डालेंगे और जो एंजाइम यूज होगा उसको कहेंगे एडिनाइलेट सक्सिनेट एंजाइम, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या डाला? देखो इसमें हमने एक डाला एस्पार्टेट, एस्पार्टेट, ठीक है। एस्पार्टेट के बाद किसकी मौजूदगी में? जीटीपी। जीटीपी हमारे पास जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होगी और एनर्जी इसको मिलेगी। एस्पार्टेट ऐड किया किस एंजाइम की मौजूदगी में? एडिनाइलेट सक्सिनेट एंजाइम, ठीक
ठीक है, एडिनिन गेट सक्सिनेट एंजाइम की मौजूदगी में हम एस्पार्टेट ऐड करेंगे तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा यही वाला राइबोज 5 फॉस्फेट लगा हुआ है, उसके ऊपर राइबोज के ऊपर कार्बन नंबर 1 पे पूरा हमारे पास एनोसिन का रिंग है, ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड सी एन सी एच इसके साथ डबल बॉन्ड ये आपस में जुड़े, इस साइड से सी डबल बॉन्ड ओ था, उसके बाद क्या था एन, उसके बाद सी और यहाँ से एन और इसके साथ डबल बॉन्ड ये एच ये एच, ये एनोसिन मोनोफॉस्फेट है। यहाँ पर ओ हटेगा और उसकी जगह जो ग्रुप अटैच होगा वो कौन से वाला होगा, यहाँ पर ये एनएच के साथ ऐसे अटैच हो जाएगा एक एस रिलीज, बाकी वही वाला को इस साइड पे एच, इस साइड पे सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव सी एच टू और सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ठीक है, वो सारे का सारा जो ग्रुप है वो हमने कार्बन नंबर 6 पे अटैच कर दिया, ठीक है। तो अब अगर और से देख रहे हैं तो इस एनएच को छोड़ दें तो बाकी सारा फ्यूमरेट है, चार कार्बन वाला क्या है फ्यूमरेट है, एनएच को अगर छोड़ दें तो बाकी फ्यूमरेट है। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना ये वाला, इसका नाम है हमारे पास एडिनाइलेट सक्सिनेट, एडिनाइलेट सक्सिनेट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, अभी इससे एडिनोसिन नहीं बनी, ठीक है। अब हमने सिर्फ क्या किया, कार्बन नंबर 6 पे ऑक्सीजन को रिमूव हुआ और उसकी जगह पूरे का पूरा एस्पार्टेट किसके साथ कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच हुआ और जो स्ट्रक्चर बना वो एडिनाइलेट सक्सिनेट स्ट्रक्चर बना, और यहां पर सिंथेटेज भी साथ आएगा एंजाइम के साथ, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंजाइम यहां पर यूज होगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया, अब क्या होगा, अब हमारे पास यही सेम जो एंजाइम है वो क्या करेगा, इस फ्यूमरेट को कर देगा रिलीज, इस फ्यूमरेट को क्या कर देगा रिलीज। तो मैं इस फ्यूमरेट को रिलीज करता हूं, बाकी ये स्ट्रक्चर बनेगा लेकिन कैसे आप इसको मैं थोड़ा सा उल्टा रखता हूं, ठीक है। इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट के बनने के बाद क्या होगा, अब इस स्ट्रक्चर से फ्यूमरेट हो जाएगा रिलीज, जब फ्यूमरेट रिलीज होगा तो देखो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, ये वापस आएगा, इससे क्या होगा फ्यूमरेट जो है वो रिलीज हो जाएगा फ्यूमरेट, ठीक है। और फ्यूमरेट क्या है, ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप रिलीज हो जाएगा और इसकी जगह एच ऐड हो जाएगा, तो पीछे जो स्ट्रक्चर बचेगा वो क्या बनेगा, देखो राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, राइबोज के ऊपर एडेनोसिन की बाइस से रिंग की सी डबल बॉन्ड सी एन डबल बॉन्ड सी एच, ये वाला यहाँ से C और ये डबल बॉन्ड था पहले, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, उसके बाद NH अटैच हुआ था, फिर ये ग्रुप रिलीज हुआ, तो यहाँ पर पीछे क्या इसके साथ अटैच हुआ NH2, क्या अटैच हुआ NH2, बाकी वही वाला यहाँ पर NH, ठीक है, और उसके बाद C और यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड N के साथ है और ये H, ठीक है, बाकी वही वाला स्ट्रक्चर बना, सिर्फ कार्बन नंबर 6 के ऑक्सीजन जगह क्या अटैच हो गया NH2 ड्यू टू व्हाट ड्यू टू एस्पार्टेट, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है अगर इसको हम हटा दें तो ये वाला एडेनोसिन है, ये क्या है एडेनोसिन, लेकिन इसका पूरा नाम क्या बनेगा एडेनोसिन एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट हमारे पास हो गया तैयार, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि सिंथेसिस में आगे यूज होगा। तो इस तरीके से प्यूरीन की जो एडेनोसिन फॉर्म है वो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गई तैयार हो गई, तैयार हो गई, क्या काम किया एस्पार्टेट और जीटीपी यूज हुआ, एस्पार्टेट ने यहां पर जब अटैच हुआ एनएच के साथ वो रिलीज हो गया और उसकी जगह एनएच और पूरा एस्पार्टेट ऐड हो गया, उसके बाद वही सेम एंजाइम एडिनिलेट सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम जो है वो उसने फ्यूमरेट को रिलीज करवाया, फ्यूमरेट को रिलीज करवाने के बाद सिर्फ NH2 बच गया, और सिर्फ NH2 बचता है तो उसमें देखो इनोसिन और एडिनोसिन में यही फर्क है कि इनोसिन में कार्बन नंबर 6 पे क्या होता है, इनोसिन में ऐड कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 6 पे क्या होता है ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और एडिनोसिन में क्या होता है बाकी सेम स्ट्रक्चर है, एडिनोसिन में क्या होगा एड कार्बन नंबर 6 पे
CNH2 ग्रुप होगा, ठीक है, ये वाला ग्रुप होगा। तो यहाँ इस तरीके से हमारे पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया, अब हमारे पास दूसरा जो था वो क्या था, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। वो क्या है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसकी उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से इनोसिन में कन्वर्ट कर रहा हूं। इनोसिन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल तरीका है, और वो क्या है, उसको बोलते हैं IMP, इनोसिन मोनोफॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम डालेंगे, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से, और साथ में यूज क्या होगा, NAD+। NAD+ यूज हो रहा है तो लाजमी बात है कहीं पर ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन निकलेगा और वो साथ अपने H2O को ऐड करता है। H2O को ऐड करके NAD+ यहां से हाइड्रोजन निकाल के NADH प्लस एच पॉजिटिव में, और जो ऑक्सीजन है वो ये वाला जो कार्बन नंबर 2 है, ये वाला कार्बन क्या है, कार्बन नंबर 2। इस ऑक्सीजन को वो अब कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो कार्बन नंबर 2 है यहां से हाइड्रोजन रिलीज करवा के ये वाला को उसके साथ डबल बॉन्ड के फॉर्म में अटैच कर देगा। तो जब डबल बॉन्ड के फॉर्म में अटैच होगा तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा। स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा राइबोज पॉलीफॉस्फेट, इसके साथ था एन, ये सी डबल बॉन्ड सी एन डबल बॉन्ड सी एच, इसके साथ अटैच था, यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ फिर एन एच था, ठीक है, यहाँ से एन, यहाँ से सी, और ये, ठीक है। अब यहाँ से एच रिलीज हो गया था, ठीक है, तो उसकी जगह ऑक्सीजन आ गई, उसकी जगह क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो अब ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस तरह के स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा ज़ैंथोसीन। ये और स्ट्रक्चर क्या है, ज़ैंथोसीन। ज़ैंथोसीन में क्या होगा कि कार्बन नंबर 2 पे डबल ऑक्सीजन जो है वो अटैच हुआ होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़ैंथोसीन है, तो इसका नाम क्या बनेगा, ज़ैंथोसीन मोनोफॉस्फेट। क्या है, ज़ैंथोसीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ज़ैंथोसीन मोनोफॉस्फेट एक इंटरमीडिएट है, इसको XMP भी बोलते हैं। तो ज़ैंथोसीन मोनोफॉस्फेट बन गया, कैसे बना, IMP डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम डाला, उसने NAD++ H2 यूज किया, NADH बना, और कार्बन नंबर 2 पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, और वहां पर एक ऑक्सीजन अटैच हो गया, हमारे पास बन गया ज़ैंथोसीन मोनोफॉस्फेट। ज़ैंथोसीन मोनोफॉस्फेट बन गया, अब वही वाला काम करेंगे, इस वाले ऑक्सीजन को हमने रिमूव करके यहां पर NH2 ऐड करना है। तो वो NH2 कैसे ऐड होगा, देखो उस NH2 को ऐड करने के लिए सिंपल तरीका है भाई, NH2 कौन ऐड करवाते हैं, ग्लूटामीन आप यूज कर लो, ग्लूटामीन यूज होगी यहाँ पर, ग्लूटामीन यूज होगी तो वो NH2 को प्रोवाइड करेगा। तो हमने ग्लूटामीन यूज की, ठीक है, ग्लूटामीन NH2 देकर ग्लूटामेट बना देगा, प्लस ATP। हमने AMP की सिंथेसिस में क्या यूज किया था, GTP, और GMP की सिंथेसिस में क्या यूज करेंगे, ATP। ATP हमने यूज किया, ATP हमारे पास AMP+ पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूटामीन NH2 देगा, इस वाले ऑक्सीजन को रिमूव करके इस वाले कार्बन नंबर 2 को देगा NH2, और खुद बन जाएगा ग्लूटामेट। क्या बन जाएगा, ग्लूटामेट। तो जो स्ट्रक्चर और जो एंजाइम है वो कौन सा यूज होगा, GMP सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा, GMP सिंथेटेज। सिंथेटेज एंजाइम यूज हो रहा है, तो ये वाला जो कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन है इसकी होगी, मतलब ये रिमूव होगा, और इसकी जगह NH2 जो है अमीनो ट्रांसफेज एंजाइम यूज हो सकता है सिंथेटेज को। तो वो NH2 यहां पर ऐड होगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह का बनेगा, वो हमारे पास ऐसे बनेगा, राइबोज 5 फॉस्फेट था, ठीक है, उसके साथ N, फिर ये C के साथ, ये डबल बॉन्ड C, ये N के साथ, ये डबल बॉन्ड CH के साथ, ये आपस में जुड़े, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड कौन था, ठीक है, यहाँ पर NH था, और यहाँ पर भी NH था, और जो सी कार्बन
क्या ऐड हुआ NH2। तो अगर कार्बन नंबर 2 पे NH2 अटैच हो बाकी इनोसिन की तरह हो तो वो हमारे पास क्या है गुआनोसिन। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है ये बनता है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसे क्या बोलेंगे गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है GMP इन शॉर्ट फॉर्म। तो इस तरीके से हम इनोसिन को यूज करके प्यूरीन्स बनाते हैं, कौन कौन से गुआनोसिन और एडिनोसिन। तो आप समझ आ गई होगी फर्क क्या है, वहां पर एस्पार्टेट की जरूरत है जब हम एडिनोसिन बना रहे थे, साथ में GDP यूज हो रहा था, यहाँ पर ग्लूटामिन NH2 प्रोवाइड करेगा और साथ में ATP यूज होगा और एक एक्स्ट्रा काम क्या होगा IMP डीहाइड्रोजनेज का काम होगा जो कि कार्बन नंबर 2 को करेगा पहले ऑक्सीडाइज, ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा और उससे फिर GMP बनेगा। तो इस तरीके से हमारे पास प्यूरीन की सिंथेसिस होती है। अब इसका हमें क्विक सा ओवरव्यू, जो दो लेक्चर है, जो पिछला लेक्चर था हमारे पास इनोसिन मोनोफॉस्फेट का और ये वाला जो लेक्चर, इसके क्विक सा ओवरव्यू लेते हैं और साथ में कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं, बाकी इसमें इतना काम अब नहीं रहा, ठीक है। तो अब ये उम्मीद है आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी कि GMP कैसे बनता है और AMP कैसे बनता है। और दूसरी जो बात थी पाइरिमिडीन सिंथेसिस की, तो उसमें तो अलग से लेक्चर रिकॉर्डेड है, उसको भी लाजमी देख लेना, ठीक है। अब देखो हमने शुरू क्या किया था प्यूरीन सिंथेसिस को, प्यूरीन सिंथेसिस में ये जो सारा हमारे पास प्रोसेस है इसको बोलते हैं डीनोवो सिंथेसिस। इसे क्या बोलते हैं डीनोवो सिंथेसिस। तो उसमें स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया था राइबोस 5 फॉस्फेट, क्या लिया था राइबोस 5 फॉस्फेट, उसको कन्वर्ट किया था फॉस्फोराइबोसाइड पाइरोफॉस्फेट में, ठीक है। और उसको फिर आगे 10 रिएक्शंस करके कन्वर्ट किया था इनोसिन मोनोफॉस्फेट में, ठीक है। कितने रिएक्शंस थे यहां पर 10 डिफरेंट रिएक्शंस थे जिसमें PRBP मिलाकर IMP में कन्वर्ट हो गया। आज हमने क्या बात की कि IMP के पास दो रास्ते हैं, IMP के पास दो रास्ते हैं, या तो ये GMP बनाएगा, क्या बनाएगा गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, या ये AMP बनाएगा, ठीक है एडेनोसिन का मोनोफॉस्फेट। अब अगर इस एडेनोसिन की फॉस्फोरिलेशन करते रहे तो ये AMP से ADP और ADP से ATP, ठीक है। और ये ATP कहां पर यूज होगी RNA की सिंथेसिस में, RNA की सिंथेसिस में। इसी तरीके से हमारे पास अगर GMP की बात करें तो GMP GDP में, ठीक है, और वो फिर GTP में, और ये हमारे पास RNA की सिंथेसिस में एज अ रॉ मटेरियल यूज होंगे। अब ये तो RNA की सिंथेसिस में, अगर इसको हमें यूज करना है DNA की सिंथेसिस में, तो आप लोगों को पता है कि DNA और RNA में फर्क यही है, जो हमारे पास DNA का राइबोस होता है ना, ये राइबोस है, ठीक है, ये हमारे पास राइबोस है, इसमें कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। तो देखो राइबोस में OH लगा होता है, क्या लगा हुआ होता है OH, लेकिन डीऑक्सीराइबोस में क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है और सिर्फ H लगा होता है दोनों साइड पे, तो इसकी वजह से इस राइबोस को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। तो अगर हमने GTP को DNA में कन्वर्ट करना होता है, इससे DNA बनाना है, तो क्या करेंगे जो GTP में जो हमारे पास राइबोस शुगर है पहले इसको करेंगे डीऑक्सी, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे DGTP में। अब डीऑक्सीगुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और इस DGTP को फिर DNA की सिंथेसिस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह अगर ATP को हमने DNA में यूज करना है तो पहले इसको DATP में कन्वर्ट करेंगे और वो DATP जो है वो हमारे पास फिर DNA की सिंथेसिस में यूज होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्यूरीन की सिंथेसिस बाय डीनोवो। कौन सी सिंथेसिस है ये डीनोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरीन। एक और तरीका भी था और वो तरीका क्या था हमारे पास साल्वेज प्रोसेस। साल्वेज प्रोसेस मैंने पहले बताया था कि वो वाला प्रोसेस जिसमें हम एग्जिस्टिंग प्यूरीन मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं और उसी को दोबारा से रिसाइकल करके हम दोबारा से उसको AMP ATP और ATP में बना सकते हैं। कैसे देखो यहाँ से अगर हम एक क्विक सा ओवरव्यू लेते हैं कि डिग्रेड कैसे होते हैं हमारे पास, क्या चीज है हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डिग्रेड कैसे होंगे, ये जो प्यूरीन्स हैं वो डिग्रेड कैसे होंगे। तो अगर इनोसिन है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो वो क्या करेगा
वो कन्वर्ट होगा इनोसिन में, किसमें? इनोसिन में, इनोसिन में हाइपोक्सेंथीन में कन्वर्ट होगा, किसमें? हाइपोक्सेंथीन में, ठीक है। ये फिर आगे से जेंथीन में कन्वर्ट होगा और जेंथीन आगे फिर यूरिया या फिर यूरिक एसिड साइकिल में चला जाएगा, जहां पर ये फिर डिग्रेड होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर एएमपी की बात करें तो ये पहले एडिनोसिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये एडिनोसिन जो है वो हाइपोक्सेंथीन में जा सकता है या फिर ये एडेनिन में, एडिनोसिन के बाद ये एडेनिन में कन्वर्ट होगा जो कि इधर जाएगा। और अगर जीएमपी की बात करें तो जीएमपी गुआनोसिन में कन्वर्ट होगा, गुआनोसिन में, और गुआनोसिन फिर गुआनिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और वो फिर जेथीन में जाके डिग्रेड होगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी होती है डिग्रेडेशन ऑफ यूरिन्स, यूरिन्स की क्या होती है इस तरीके से डिग्रेडेशन। अब होता क्या है कि देखो ये हमारे पास ये भी डिग्रेड होने के करीब है, ये भी डिग्रेड होने के करीब है, एडेनिन की बात करें चाहे गुआनिन की बात करें, ये दोनों डिग्रेड होने के करीब है। तो होगा क्या, अब इस एडेनिन को हम दोबारा से एएमपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये दोबारा से एएमपी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर एडेनिन पे एक एंजाइम है उसका नाम है एडिनोसिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, इसको मैं इन शॉर्ट क्या लिखूंगा, एडिनोसिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम की मदद से एडेनिन दोबारा से एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है और यही एएमपी फिर एडीपी, एटीपी, डीएटीपी के लिए यूज होता है। और अगर गुआनोसिन की बात करें, गुआनिन की बात करें, तो ये गुआनिन भी जो है ये दोबारा से जीएमपी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो एंजाइम यूज होगा वो होगा हाइपोक्सेंथीन, क्या होगा, हाइपोक्सेंथीन गुआनिन गुआनोसिन, गुआनोसिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो इस एंजाइम की मदद से क्या होगा, इसको इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, हाइपोक्सेंथीन गुआनोसिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो इस एंजाइम की मदद से गुआनिन दोबारा से जीएमपी में कन्वर्ट हो सकता है, ये प्री एग्जिस्टिंग क्यूरिंग मॉलिक्यूल था, इसको हमने अब ये डिग्रेड हो रहा था, तो डिग्रेड की वजह इसको हमने दोबारा जीएमपी में कन्वर्ट करके दोबारा इससे हम जीडीपी, जीडीपी बना सकते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस जिसमें हमारे पास एग्जिस्टिंग प्यूरिन से एक जीएमपी या एएमपी बन सकती है, प्यूरिन रिंग्स बन सकती हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं साल्वेज पाथवे। कौन सा प्रोसेस उसे बोलते हैं, साल्वेज पाथवे। तो दो तरीकों से हम प्यूरिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, एक तो रॉ मटेरियल यूज करके जैसे डीनोवो सिंथेसिस में किया था, दूसरा तरीका हमारे पास होता है साल्वेज पाथवे, जिसमें हम प्री एग्जिस्टिंग जो हमारे पास एडेनिन होगी जो डिग्रेड हो रही होती है, हमारे किसी काम की नहीं होगी बाद में, उस गुआनिन को या उस एडेनिन को दोबारा से हम एएमपी या जीएमपी में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम यूज कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्यूरिन सिंथेसिस, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने सवाल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तब तक दुआओं में याद